नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। न्यूज लाइन का एक खास कार्यक्रम लेकर अभी हम आए हैं। एक सीरीज चल रही है परीक्षा पर चर्चा। इन दिनों जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही है। जैक की तो शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थी किस प्रकार से तैयारी करें और अब कम समय बचा है, कम समय में कैसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अभी हमारे साथ आज हमारे साथ हैं द साइंस विजन के डायरेक्टर धीरज सिन्हा जी, जो कि मैथ और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। वो आपको टिप्स बताएंगे। साथ ही उनके भाई नीरज सिन्हा जी, जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं आप सबों का उनका परिचय उनका आप सबों का स्वागत है। धीरज जी, सबसे पहले आपसे मैं चाहूँगा कि किस प्रकार से बच्चे इस वर्ष सीबीएसई के हों या आईसीएसई के हों या जैक बोर्ड के हों, सभी बोर्ड के आप तैयारी करवाते हैं, तो टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे कैसे तैयारी करें और किस प्रकार से वो कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, कुछ आप अपने तरफ से टिप्स बताइए। सबसे पहले राम भैया को थैंक यू और न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं परीक्षा पे चर्चा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए सबसे फिर से हम न्यूज लाइन के टीम्स को धन्यवाद देता हूँ। सवाल ये है कि टेंथ और ट्वेल्थ के जैक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, लास्ट मोमेंट में आप एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करना है और आप जो है स्मार्ट रिवीजन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट रिवीजन टेक्निक समझे तो आप हर चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बना लें, जैसे इसको कहते हैं हम लोग समरी नोट्स, ठीक है। आप माइंड मैप का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो उनका मेन जो फोकस होना चाहिए वो फोकस ना करके आप जो है वैसे क्वेश्चंस करने लगते हैं जो क्वेश्चंस से नहीं पूछे पूछे माने नहीं एग्जाम में नहीं आते हैं, वो सब क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो इम्पैक्टफुल जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, तो आप मॉक पेपर का भी यूज कर सकते हैं। मॉक पेपर मतलब सैंपल पेपर जो आते हैं, ठीक है, वो सैंपल पेपर आप यूज कर सकते हैं। रेगुलर आप सैंपल पेपर को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा। बट मेरा मानना है टाइम का मैनेजमेंट नहीं कहे हो बच्चों, माइंड मैनेजमेंट। इससे क्या आपका माइंड का भी मैनेजमेंट होगा कि हमको 3 घंटा में पेपर को डील करना है, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज होता है मॉक पेपर लास्ट टाइम में देने से। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर आप मॉक पेपर सॉल्व करते हैं तो जो टॉपिक जो क्वेश्चंस आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन करें और उस टॉपिक को फिर आप जो है रिवीजन करें, जिससे आपका क्या होगा ना कि वो टॉपिक भी और अच्छे से आपका क्लियर होगा, तो आपका जो क्वेश्चंस है वो, ठीक है, वो आपका छूटेगा नहीं। तो इसलिए जब मॉक पेपर आप देंगे तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाता तो फिर आप उसको अपना नोट्स से आप उस टॉपिक को रेगुलर रिवीजन करते रहें। ये तो आप चाहे टेंथ के स्टूडेंट हैं, चाहे जैक बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्वेल्थ की जहाँ तक बात है तो ट्वेल्थ में जैसे मैं केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स दोनों का मैं एक्सपर्ट हूँ, तो केमिस्ट्री में जहाँ तक मुझे बच्चों से सुनने को मिलता है कि ऑर्गेनिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसका कारण ये होता है कि बच्चे जो हैं वो रिएक्शंस तो बनाते हैं लेकिन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म्स है वो मैकेनिज्म्स को नहीं समझते हैं। तो आप एक काम करें कि रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को समझें कि रिएक्शन कैसे होता है, वो अगर बच्चे समझेंगे तो एरर कम होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं रिएक्शंस को। तो बच्चों रटिए नहीं, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और खासकर जो नेम्ड रिएक्शन है उसको आप एक अलग सा सारे नेम्ड रिएक्शंस को लिख लें और उसको रेगुलर रिवीजन करें, रेगुलर उसको प्रैक्टिस करें। दूसरा है उसमें जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जैसे खासकर इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका, रेजोनेंस इफेक्ट है आपका, जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ठीक है, ये क्लास 11th का जीओसी का पार्ट है। लेकिन अगर जो बच्चा 11th का जीओसी पार्ट अगर अच्छा नहीं होता है तो उसका डेफिनेटली उसका ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है।
तो इसलिए जहाँ तक हम गाइड करते हैं कि नहीं, आप अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप अगर 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको बेहतर करने के लिए आप जो है खासकर वो वाला जो जीओसी पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला, वो अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट का जो क्वेश्चंस है वो आप बहुत ही आसानी से और बड़ा स्मूथली आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो उसको कीजिए। उसके बाद है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में जो खास कर जैसे टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग रिएजेंट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया आपका, जाके आपका कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, ये सब आप प्रॉपर जरूर बच्चे करें, क्योंकि इससे निश्चित है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा पूछा करता है एग्जाम में, तो इसको आप जो है इसको अच्छे से कीजिए, तो आप जो है ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो बहुत ही आसानी से आपका जो है पेपर सॉल्व होगा। और जहाँ तक आप फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसलिए आप जो है फिजिकल थ्योरी पर काम कीजिए, और खासकर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से बच्चे खासकर बहुत डरते हैं, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आते हैं, तो आप जो है कुछ नहीं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, हम यही कहेंगे बच्चों कि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कीजिए। और न्यूमेरिकल्स जो होता है वो आपका फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर फार्मूला करेंगे ना, आप जितना भी चैप्टर का फार्मूला एक जगह लिख लीजिए और उस फार्मूले को आप अच्छे से रिवाइज रेगुलर कीजिए, और उससे जो भी क्वेश्चंस आपका आते हैं उस क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है कि ये किस फार्मूले से बनेंगे, तो आप इजिली रूप से आप उस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, क्योंकि पहले जो सिलेबस था इनऑर्गेनिक का, हम जी पहले क्या था ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर होता था, एक आपका पी ब्लॉक था, आपका एक मेटलर्जी का चैप्टर था, डी एंड ब्लॉक था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो उसमें से 2 चैप्टर डिलीट कर दिया, 2 ही चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी एंड ब्लॉक बहुत ही आसान चैप्टर है, और प्रॉपर ढंग से अगर बच्चे उसको अगर सही से अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि उसको रटने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अगर चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री का रहा व्यू। अब जहाँ तक सवाल है मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स में 12th की मैथ्स में एक एल्जेब्रा पार्ट है, एक आपका कैलकुलस का पार्ट है, और एक पार्ट आपका आ जाता है नहीं, क्या कहते हैं इसको, 3 डायमेंशनल, 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। अब बच्चे को सबसे ज़्यादा फेस होता है कैलकुलस में, तो कैलकुलस में इतना ज़्यादा बच्चे हाइप ले लेते हैं उसको, कि लगता है कि जो है कैलकुलस जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स का है और बहुत ज़्यादा सवाल पूछा पूछेगा, तो उसमें इतना सारे फॉर्मूले वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन नो डाउट बच्चे कि कैलकुलस में मार्क्स का वेटेज है, नो डाउट उसमें आपका लगभग 36 मार्क्स के आसपास है कैलकुलस में। अगर उसको शुरू से एक स्ट्रेटेजी बना के बच्चे का पढ़े, खासकर अगर डिफरेंशिएशन का पार्ट, जो डिफरेंशिएशन का पार्ट कहे तो डिफरेंशिएशन की जो फार्मूला है स्टैंडर्ड रिजल्ट, उसको आप जो है अच्छे से कॉपी में रिवीजन करें, नोट्स लिख के रिवीजन अच्छे से करें। दूसरा आता है इंटीग्रेशन की फार्मूला, उसको आप प्रॉपर ढंग से उसको रिवीजन करें इंटीग्रेशन की फार्मूला को। तो इंटीग्रेशन में बच्चा आके फंसता है। इंटीग्रेशन फंसने का कारण ये है कि उसमें इतना सारा मेथड्स है कि, और इतना ज़्यादा उसमें डेप्थ भी है, तो उस चीज़ को अगर स्ट्रेटेजी बना के और हर टॉपिक को अगर अंडरस्टैंड करते हुए अगर बच्चे उसको पढ़ते हैं अंडरस्टैंड करके, तो भले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशंस का पूछता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी चैप्टर में ज़्यादा है। बाकी चैप्टर में कहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन है, आपका जाके अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ज़्यादा यूटिलाइजेशन, जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, और उससे बच्चा कम ध्यान देते हैं। तो इसलिए अगर बच्चा अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर अच्छे से डेप्थ में और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बच्चे कर लेते हैं। दूसरा चीज है कि अगर मान लीजिए आपका लास्ट मोमेंट में है और आपका कैलकुलस आपका वीक है, तो बच्चों आप डरिए मत, आप जो है कभी कभी होता है कि लास्ट मोमेंट में कैलकुलस आपका वीक है और हम कैलकुलस के प्रिपरेशन पूरा लगे हुए हैं और हो नहीं पा रहा है, तो फिर भी बच्चे अच्छा मार्क्स मैथ्स में गेट कर सकते हैं। वो कैसे, तो आप जो है ना खासकर प्रोबेबिलिटी
एलपीपी, 3D और वेक्टर, ये जो चार चैप्टर, इससे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि इससे क्वेश्चंस एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता है, कम मेहनत में आप श्योर शॉट, श्योर का है मतलब आप बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे देते हैं तो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एलजेब्रा का पार्ट, एलजेब्रा में आपका मैट्राइसिस है और डिटर्मिनेंट है, उसके भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, और एक आपका रिलेशन फंक्शन है, तो इससे भी आप जो है अच्छा मार्क्स मैथमेटिक्स में गेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नीरज जी से कि किस प्रकार से बच्चे तैयारी करें फिजिक्स की, जो 10th और 12th में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। समय काफ़ी कम बचा है और इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, आप अपना कुछ। बिल्कुल, सबसे पहले तो राम भैया को मेरा धन्यवाद कि यहाँ पर आए और हम लोगों को परीक्षा पे जो चर्चा है इस पर हम लोगों को शामिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये टिप्स देना चाहूँगा एग्ज़ाम के लिए कि देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम के दिन क्या होता है कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हॉल में जो टेम्परामेंट होता है बच्चों का, ठीक है, जो टेम्परामेंट होता है, जैसे कि बच्चे जो मतलब कॉपी में लिख रहे होते हैं, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन। तो अगर उसका दिमाग अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो उस समय वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले एक डे पहले रात को अच्छे से सोइए। अगर आपका दिमाग हेल्दी रहेगा तो हेल्दी वर्क करेगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर में होगा, और अगर दिमाग अगर हेल्दी वर्क करेगा तो अच्छे से जो भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। इसे सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ब्रेन को रेस्ट दीजिए, जो भी फाइनल टच है आपको वो रात में ही जो है कर लीजिए जितना आप हो सके, लेकिन एग्जाम से पहले 6-7 घंटे पहले तक जो है आराम से सोइए। उसके बाद दूसरा बात क्या है राम भैया कि बच्चे जो है ना एग्जाम के ड्यूरेशन में रैप अप करने के चक्कर में रहते हैं कि लास्ट टाइम है थोड़ा सा 2 घंटा पहले, तो वो जो है थोड़ा सा कॉपी पलटने स्टार्ट कर देते हैं कि ये देख लेते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, तो ये नहीं करना, इनसे बचिए। या अगर आप ये कीजिएगा तो क्या होगा ना कि जो भी आप पढ़े हुए हैं वो भी भूल जाता है बच्चा, तो ऐसा देखने को हमें मतलब हम लोग एक्सपीरियंस किए इन चीजों को। प्लस क्या है कि अब बात करते फिजिक्स का, तो सीबीएसई बोर्ड का तो एग्जाम चलिए ठीक है अभी आ ही रहा है, लेकिन झारखंड बोर्ड का एग्जाम आज हो चुका है, तो फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, तो बच्चे जो है मिले हम कुछ बच्चों से तो अच्छा ही गया एग्जाम, एंड इजी टू मॉडरेट, मैंने भी क्वेश्चन देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बेस्ट विशेष है उन लोगों के लिए ताकि अच्छा मार्क्स उन लोगों का आए और अच्छा करके आए होंगे। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए मैं कुछ एग्जाम टिप्स देता हूँ कि उसमें जो है जैसे कि एग्जाम में सबसे पहले जो पैटर्न अभी सेट किया गया है बोर्ड एग्जाम की तरफ से, तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप अगर सिर्फ ऑप्शन अगर उसमें लिख के आएंगे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों मैं देखता हूँ जैसे कॉपी में कि ऑप्शन के साथ पूरा डिटेलिंग आंसर लिख देते हैं, तो बेटा ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो लेकिन हो सकता है। तो इसीलिए आप एग्जाम में क्या कीजिए कि सिर्फ एमसीक्यू के जो ऑप्शन से बस वही लिख के आइए, हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल जाए, ठीक है, अगर आंसर गलत हो या रॉन्ग हो या राइट हो कुछ भी हो तो उसका आपको जो है मार्क्स हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपको डिटेलिंग आंसर नहीं लिखना है। दूसरा बात क्या है कि कॉपी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नीट एंड क्लीन रखिए, ठीक है, ज्यादा मतलब क्वेश्चन का जितना पॉइंट वाइज पूछा जाता है सीबीएसई में बस वही आंसर कीजिए, क्योंकि हम लोग कॉपी वगैरह भी चेक करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे कॉपीज में हम लोग देखते हैं, तो फालतू की चीजों को लिखने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स जो भी आंसर पूछा जा रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना है। बात आती है प्रिपरेशन कैसे करें, तो बहुत कम टाइम है और प्रिपरेशन करना है, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है हमेशा से कि समय का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है, और अच्छा इन्वेस्टमेंट जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट देता है लाइफ में, तो टाइम का इन्वेस्टमेंट करना मनी के इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा मैं समझता हूँ। तो जो बच्चे टॉपर्स हैं और अपने आप को 90s के रैंकिंग में देख रहे हैं कि फिजिक्स में मुझे 90 मार्क्स से अबव लाना है, तो वैसे स्टूडेंट्स तो जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो कि बीच में कुछ कारणवश अगर नहीं कर पाए हैं, तो कुछ पोर्शंस जैसे कि फिजिक्स के जो है क्लास 12th के लिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट 6 ऑप्टिक्स, यूनिट 7 होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर, एंड यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड यूनिट 9 सेमीकंडक्टर।
ये जो लास्ट के 6 यूनिट हैं ऑप्टिक्स को छोड़ करके, बाकी सब छोटे यूनिट्स हैं, मार्क्स ज्यादा है इनसे, कम पढ़ना है आपको और अच्छे सॉलिड मार्क्स उठ करके आएंगे। इनके क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू द यूनिट 1, 2 एंड 3 एंड 4 इंक्लूडिंग। तो मैं बोलूंगा क्या कि सबसे पहले आप सेकेंड पार्ट, सेकेंड वॉल्यूम जो है फिजिक्स का, उस पर फोकस कीजिए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, आप वहां से अच्छे कुछ सीख सकते हैं और कम, मतलब कम समय में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एंड फाइनली मैं आप सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप लोग जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। एक सवाल मेरा होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं 25 अंक उसमें प्रैक्टिकल के भी जुड़ते हैं और 75 अंक का रिटर्न एग्जाम होता है। 30 मार्क्स 70-30 है। और सीबीएसई में भी और जैक बोर्ड में भी। तो ये कहीं ना कहीं अब 70 है, तो 70 में हम अगर अच्छे से तैयारी करें तो हम और अधिक से अधिक अंक, क्योंकि 30 में तो 25 मिलना लगभग एवरेज लोगों को मिलता ही है। तो साइंस एक मतलब सब्जेक्ट नंबर उठाने वाला है, तो इस हिसाब से अगर 70 नंबर में ही सिलेबस भी मेरा शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट है, तो कैसे हम और अच्छा से किन टॉपिक्स को ज्यादा हम फोकस करें जो जिससे हम अधिक से अधिक और अंक उठा सके। केमिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा टॉपिक होगा, टॉपिक होगा? मेरा मानना है कि जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अगर ध्यान देता है बच्चा तो वो अच्छा स्कोर गेट कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा ब्रांच भी है, अगर बच्चे को उसको अगर लर्न के साथ अगर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसका नोट्स भी अगर बनाते हैं, जो भी आप बच्चे मटेरियल आप यूज करते हैं, ठीक है, आप एक मटेरियल पर आपका बिलीफ होना चाहिए कि हम ये मटेरियल लेके पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप मटेरियल पर आपका विश्वास होना चाहिए और उसी मटेरियल से आप जो नोट्स बनाते हैं, जो क्लासेस आप करते हैं, जिस टीचर्स का भी आप क्लासेस करते हैं, अगर वो प्रॉपर नोट्स का बनाते हैं और रेगुलर उसको रिवीजन करते हैं, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है, ठीक है, बच्चे का उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, अगर उसको अच्छे से अगर प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो आप डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। अब वो है ऑर्गेनिक, विदाउट ऑर्गेनिक आप अच्छा स्कोर नहीं गेट कर सकते, मार्क्स का वेटेज भी उसी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चे अगर आपको नहीं कहता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट्स है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन तो फर्स्ट बर्न लाइक द सन, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, निखरना है, तो आपको मेहनत करना होगा। हाँ, आपको तो उस प्रेशर को झेलना पड़ेगा ही, तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को प्रेशर को जो बच्चा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है वो बच्चा डेफिनेटली आगे बढ़ता है। और कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो मेरा मानना है कि दो चीज़, एक प्रिपरेशन होता है, एक होता है इफेक्टिव प्रिपरेशन होता है। इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखता है, एक आपका प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और दूसरा है ओरिएंटेशन, यानी कि डायरेक्शन। ये दो चीज़ें अगर बच्चे प्रॉपर फॉलो करते हैं, और इसके लिए डिसिप्लिन, ठीक है, आप चीज़ों के लिए कितना फोकस्ड है, तो निश्चित है वो उसके लिए, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स है, निश्चित है वो अच्छा स्कोर गेट करेगा ही करेगा। चलो नीरज जी, अगर फिजिक्स की बात करें तो कैसे हम अधिक से अधिक 70 नंबर में लगभग अबव 50 हम उठा सकें? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ही कि फिजिक्स का जो है सेकेंड पार्ट जो है वो मतलब स्कोरिंग पार्ट है, बिल्कुल, मतलब उसमें आपको कम पढ़ना है और मार्क्स उससे ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि यूनिट 5 हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इसमें केमिस्ट्री जैसा तो ब्रांचेस नहीं है बट इस यूनिट वाइज है चलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका ऑप्टिक्स हो गया जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, 14 मार्क्स इस सब्जेक्ट से आते हैं। एंड यूनिट 7 एंड 8 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मतलब छोटे यूनिट्स हैं और मार्क्स बहुत ज्यादा ऐसे है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब क्वेश्चन भी रिपीटेड रहते हैं, मतलब प्रीवियस PYQ में जो क्वेश्चंस आया वही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो अगर बच्चा वो सब कर लेता है तो स्कोरिंग रहेगा 50 अबव चला जाएगा। चलिए, अब जाते जाते अंतिम में आप क्या संदेश देंगे बच्चों को अपने तरफ से, दो शब्द संदेश के रूप में? सबसे पहले तो मैं कहूँगा बच्चे एकदम आराम से, जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेन को माइंड पर काम करना है, क्योंकि माइंड से ही सारा एग्जाम देना है, तो माइंड को हेल्दी रखने की कोशिश करो, सबसे ज़्यादा 100% इफिशेंसी वही दिखाएगा। तो यही हम बोलेंगे कि अकबकाना नहीं है और एग्जाम हॉल में अच्छे से एग्जाम प्रेशर को डील करना है। चलिए ठीक, क्या संदेश देंगे बच्चों को? हाँ बच्चों, लास्ट मोमेंट में बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होता है, तो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए
और लास्ट मोमेंट में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर एक मॉक पेपर सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रहना, आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। और नर्वस नहीं होना है, अभी प्रॉपर डाइट यूज करें, प्रॉपर साउंड स्लीप, ठीक है। अभी क्या होता है ना बच्चे, लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस से लेते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो हेल्थ इशू होता है। तो इसलिए बच्चे आपको जो है लास्ट मोमेंट में अपने प्रिपरेशंस के ऊपर जो है बिलीफ होनी चाहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, नीरज जी, दोनों भाई थे और दोनों काफ़ी दिनों से, विगत लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से द साइंस विजन कोचिंग का संचालन कर रहे हैं और हज़ारों बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं और अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। फिलहाल दोनों मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में भी वहाँ के बेस्ट फैकल्टी में शामिल हैं साइंस डिपार्टमेंट में, और आज इनसे रूबरू कराया हमने आपको फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री टॉपिक को लेकर के। इन्होंने आपको जो जानकारियाँ दी हैं उस पर आप फोकस करें और अब कम समय में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इनके बताए टिप्स पर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा पहला प्रयास है, आगे से और भी हम अच्छी कोशिश करेंगे कि और भी पहले हम इस तरह के कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए। अगले दिन फिर मिलेंगे किसी नए खास शख्स के साथ, किसी अगले किसी विषय के शिक्षक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।